मैंने कल विद्यार्थियों आपको चार तक प्रश्न कराए, पांचवा प्रश्न देखिए। समांतर श्रेणी के प्रथम इक्यावन पदों का योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो जिसमें द्वितीय और तृतीय पद क्रम से 14 और 18 है। माना एपी का प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर डी। हाँ भाई, ए टू शर्त द्वितीय, ए टू बराबर 14, ए प्लस दो माइनस एक डी बराबर 14, ए प्लस डी बराबर 14 समीकरण नंबर एक, एक तो बन गया। ए थ्री बराबर 18, ए प्लस तीन माइनस एक डी बराबर 18, ए प्लस टू डी बराबर 18 समीकरण नंबर दो। विलोपन विधि, विलोपन विधि। हाँ भाई, ए प्लस डी बराबर 14, ए प्लस टू डी बराबर 18, माइनस 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 ए से क्या कट गया, एक। इसमें एक चर बराबर किया जाता है, बोलो भाई। माइनस डी बराबर माइनस के 4, डी बराबर 4, डी बराबर 4 आ गया, डी बराबर 4। समीकरण एक में डी बराबर 4 रखने पर, डी बराबर 4 रखो, पक्षांतर करो भाई। पक्षांतर जाते हो एक तरफ चर और एक तरफ अचर, तो पक्षांतरण करो भाई 10। ए बराबर 10, डी बराबर 4, एन बराबर 51, एस एन, एन बटे दो बड़ा कोष्टक 2a प्लस एन माइनस ए कोष्टक बंद डी, एस एन, एस 51 भाई, बोलो। 51 बटे दो, दो गुणा ए का मान बोलो कितने का, 10 प्लस एन का मान 51 माइनस एक डी का मान बोलो 4, बता भाई। इक्यावन बटे दो 20 प्लस 50 गुणा 4, 51 बटे दो 20 प्लस 200 गुणा 220, काटो भाई 110, 51 गुणा 11 कर ले भाई, ध्यान कर शॉर्ट तरीका, 51 और 51 एक 6 56 10, बोलो कितना आ गया 56 10, कौन पता होगा योग।
फिर देख लो एक बार। 51 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका द्वितीय और तृतीय पद क्रम से इतना है। द्वितीय और तृतीय पद ये दे रखा है साहब, तो याद है पीछे देखना, पहले इन्हें देखो। वैसे भी ध्यान कर लेना, क्रमागत पद है तो डी निकाल सकते हो, यानी कि डी बराबर क्या होता है, द्वितीय और तृतीय पद A3 - A2, तो 18 - 14 बराबर 4, डी बराबर 4, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। फिर आपको क्या करना है, ये समीकरण तो फिर भी बनाना पड़ेगा, आप डी का मान यहाँ में धर दो चाहे यहाँ में धर दो आप, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। इसको ध्यान कर लेना, दो विधि है, तो इसको ऐसे कर लो आप, ये सही है। अब आ जाओ आप छठा, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से इतना है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से, अंतिम पद क्रम से सत्रह और 350 है। यदि सार्वंतर यदि सार्वंतर नौ हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, और उनका योगफल ज्ञात करो, ये सब है। एक बार सवाल फिर ढंग से पढ़ो। समांतर प्रथम और अंतिम, प्रथम पद क्या होता है बताओ, ए, अंतिम पद क्या होता है AN, ये दे रखे, डी वही दे रखा है, ले सीधे हो जाएगा ये तो सवाल। हल क्या करोगे, हल समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए, डी प्रथम पद की दे गए डी नौ, AN क्या चीज है, AN है कितना 350 आया, हो पदों की संख्या N ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है। देख लो एक बार इन्हें, अब आ जाओ आप, चल रही है। अब देखिए पदों की संख्या, तो
ए प्लस एन माइनस एक डी बराबर ए एन। बोलो ए कितने गए? 17 प्लस एन माइनस एक डी का मान 9 बराबर कितने गए? 350। घटा भाई 17 में 9 कितने बच गए? 8। 9n बराबर 350। पक्षांतरण करने पर करो भाई 9n बराबर 350। डी का मान 9 है ना? एन बराबर क्या बोल रहा है? समाधान की प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतना है, सार्वंतर इतना है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रथम पद अंतिम पद डी 350। ए 9, 9 और 8 माइनस कितने कर दो? पक्षांतर करोगे ना? 8। बोलो भाई 9 धरो यही दोगे 342। एन बराबर 9 × 3 = 27, 9 × 8 = 72। छोटा सूत्र लगा दो, आप बड़ा भी लगा दो जब भी आ जाएगा उत्तर। तो एस कितना बताओ? 38। बोलो भाई 38/2। ए का मान कितने का देखो? 17। 350। बताओ इसको, इसको काट दो, सम संख्या कट जाती है। 2 × 2 = 18। ये जोड़ो इन्हें, 300 कितना हो गया भाई? 67। आना गुणा कर दो, 367 × 19 करो भाई। 9 × 7 = 63 को 3 वहाँ से लग 6, 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, 60 वहाँ से लग 6, 9 × 3 = 27, 27 + 33, 9 × 7 = 63 हाँ से लग 9 × 6 = 54, 54 + 60, 9 × 3 = 27 = 33। हाँ भाई ये कितने आगे? 7 कितने आगे? 6 कितने आगे? 3। बोलो 3 × 7 = 9 = 6, 6973। पदों की संख्या कितने गए? 38। पदों का योग कितने गए? 11 हो गया। नोट कर लो इसको, छठा फिर एक बार और देख लो चित्र चाहे तो।
प्रथम और अंतिम पद ध्यान कर लेना, प्रथम और अंतिम पद ए और ए एन है, ए और ए एन 17 और 350, सार्वंतर डी दे रखा है 9, तो पदों की संख्या। अब ध्यान करेगा ए एन का सूत्र लगाना है इसमें, ए एन का, एस एन का नहीं लगेगा, एस एन का पीछे लगेगा, ए एन का लगा दिया एन आ गया। अब एस एन का लगा दो, बड़ा लगा दो चाहे छोटा लगा दो, दोनों सूत्र आ जाएगा आपको, ठीक है। एक से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। कौन सा है? 7वां दिखे शायद। 1000 के बीच 3 से भाज्य, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्या, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। एक से हल, अब देखिए 3 से भाज्य विषम संख्याएं, तीन से भाज्य विषम संख्याओं की एपी आया हुआ है, 3 से भाज्य विषम संख्याओं के एपी। सबसे पहले आ गई 3, 3 से भाज्य संख्या देख लो पहले कौन सी है, 3 से भाज्य 6, 9, 12, 15 और 18, 21। अब ध्यान कर लेना इनमें विषम, 3 से भाज्य विषम हो रहे हैं तो विषम ध्यान कर लेना, यह 3 से भाज्य विषम संख्याओं के एपी, तो इसमें होगी सबके पहले भाई आपकी 3, 9, 15, 21 डॉट डॉट डॉट, और 3 से भाज्य विषम संख्याएं लास्ट बताओ कौन सी है, 999। ध्यान कर लेना भाई विषम संख्या 3 से भाज्य 1000 तक के 999, 3 से भाज्य विषम संख्याओं की एपी, विषम संख्याओं की एपी ध्यान करना, तो विषम है देख लो चाहे आप, विषम है ये, अब विषम संख्याओं की एपी हो गई। अपन को निकालना योगफल, क्या निकालना है योगफल, तो योगफल निकालने के लिए पहले एन निकालो, क्या निकालो एन, एन निकालो इसमें एन, प्रथम पद ए बताओ ए बराबर कितने गए, सार्वंतर डी पदों की संख्या ए एन एस एन बताओ ए कितने गए, 3, डी का ये है ए टू माइनस ए वन, 9 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 6, 6 अंतर देखते जाओ, 15, 6, 21, 27, 6 आएगा, एन ज्ञात करना है, बताओ एन कितना है,
ये रहा एन, नौ एस एन ज्ञात करना है। अब पहले अंतिम पद का सूत्र लगाओ, अंतिम पद पदों की संख्या ए प्लस एन माइनस एक डी बराबर ए एन, ये सूत्र रहेगा। ए बोलो कितने का है, तीन प्लस एन, डी कितने का, डी नाइन 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 करो भाई, तीन प्लस बोलो भाई, पक्षांतर करो, तीन बज कर माइनस के, ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस तीन का प्लस तीन हो जाएगा, एन बराबर कितने के बताओ, नौ तीन बारह छ, हाँ भाई करो, एक सौ दो में छः का भाग दो, छ एकम छ, छत्तीस, छः सात बयालीस, छ एकम छ, छः छः छत्तीस, चार छः सात बयालीस, कई बार गया बता भाई, एक सौ सड़सठ बार, एक सौ सड़सठ बार। एक सौ सड़सठ बार गया, अब इसमें निकाल लो आप योगफल। देखो योगफल एस एन, एन बटे दो, अब इधर देख लो आप, अगर ये अंतिम पद वाला छोटा सूत्र पे लगा सकते हो आप, छोटा सूत्र लगाओ जब भी आ जाएगा ए प्लस ए एन से भी आ जाएगा। बोलो एन कितने का है, एक सौ सड़सठ, ए कितने का, ए तीन नौ सौ निन्यानवे करो, एक सौ सड़सठ बटे दो, ये विषम संख्या है, कटेगी नहीं ध्यान करें ना, विषम संख्या है। अब इनको जोड़ दो आप, नौ तीन बारह जीरो जीरो एक, अब तीन का भाग दे दो इसमें भाई, सॉरी दो का भाग दो, दो का भाग दो इसमें, इसमें मैंने छः का दिया, दो का दो भाई, इसको काट दो पहले, दो पंजी दस, जीरो दो एकम दो, ये भाग टूटे के जीरो आएंगे ध्यान कर लेना, आया भाई एक सौ सड़सठ गुणा कितने करोगे, पाँच सौ एक, आया भाई गुणा करो, पाँच सौ एक गुणा एक सौ सड़सठ, ऐसे करो दिक्कत नहीं आई, करो भाई कितना आ गया, सात एकम सात जीरो, सतपद पैंतीस, गुणा निशान लगा, बोलो भाई छः एकम छः जीरो, छप्पन जी तीस, आ जाओ यहाँ बोलो एक जीरो पाँच सात छ छ तीन आठ, बोलो कितना आ गया, तिरासी हजार छः सौ सड़सठ, एक सौ सड़सठ, अब एक ही चीज़ पूछ रहा है इसमें, योगफल तो योगफल लिख दिया, दो पूछते तो नीचे लिख देते, ये आपका सवाल हो गया भाई।
इसको नोट कर लो आप, 83,667 सही है। हाँ भाई, अब देखिए आप, सवाल नंबर है आपका, एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद 8, एन व पद 33 है, पहले एन पदों का योगफल 123 हो तो एन तथा सार्व अंतर डी ज्ञात करो। इसमें ध्यान करना, वे सब हटा दिया तो आपको कंट्रोल लेनी पड़ेगी, ध्यान है सवाल को सही ढंग से पढ़ना है। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, कौन सा नंबर का 8वां, एक देखिए ये प्रश्न मैंने आपको पहले लिख दिया है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8, एन व पद 33 तथा पहले एन पदों का योग 123 हो तो एन तथा सार्व अंतर ज्ञात करो। एपी का प्रथम पद ए बराबर 8, सार्व अंतर डी ए एन 33 एस एन 123। अब देखिए इसमें अपन को थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि सूत्र कौन सा, एस एन भी दे रखा है, ए एन भी दे रखा है, तो पहले एस एन का लगा दें, ए दे रखा है तो इसमें एन आ जाएगा, एस एन एन बटे दो ए प्लस ए एन। देखो इधर ये दोनों दे रखे, ये दे रखा है, एक यही तो नहीं है, ऐसा सेट करना पड़ता है सूत्र, ध्यान कर लेना। बोलो कितने का है, 123, दो ए का मान 8 प्लस बोलो कितने का है, एन का मान 33, बोलो 123 बराबर, यहाँ एक लगा दो, बोलो भाई कितने हो गए, 41 हो गए क्या, 41 एन बटे दो, वजगुणा करो भाई, 41 एन बराबर 123 गुणा दो, एन बराबर बटे 41, बताओ कैक से कट गया, तीन बार कट गया दिखे, एन बराबर 6 आ गया भाई, एन बराबर 6। अब सार्व अंतर निकाल दो, अब अपन को देखो एक तो ये ज्ञात करना है और एन ज्ञात करना है, अब ए एन का लगा दो, ले भाई ए ए का मान कितने का बताओ, ए का मान 8 प्लस एन का मान 6 माइनस 1, डी का मान 9, ए एन कितने का है 33, करो भाई 8 प्लस 5 डी बराबर 33, पक्षांतर करने पर 8, डी बराबर 5,
पदों की संख्या छः, सार्वंतर डी, ऐसा उत्तर लिखो नीचे। ले हो गया आपका ये, एक बार फिर देख लो। प्रथम पद आठ ए हो गया, एनवा पद ए एन हो गया आपका, पदों की संख्या एन की याद करनी है, 123 एस एन हो गया। अब इसमें थोड़ा दिमाग ही लगाना गुरु जी, कौन सा सूत्र लगेगा। अगर तुमने ये सूत्र लगा दिया बाई चांस इसमें, तो आपको पता है एक डी बिना है एन बिना है, और इसमें तो पता है कि ये भी दे रखा है ये भी दे रखा है, ये एक चीज़ नहीं दे रखी, एक चीज़ अज्ञात हो तो निकाल लेते हैं, ये आपका हो गया। ₹280 की राशि चार पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। ₹280 की राशि नवा दिखे, 280 रुपये की राशि चार पुरस्कार देने के लिए ₹280 की राशि चार पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। रखी गई है प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है। पुरस्कार अपने ठीक की पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है, प्रत्येक पुरस्कार की राशि क्या करो है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करो। हाँ भाई, प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करो, ₹280 की राशि चार पुरस्कार देने के लिए रखी गई है, प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार हल माना। प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर ए। अब देखिए, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है, तो ए माइनस बीस माइनस चालीस ए माइनस साठ पुरस्कार की एपी
प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, एन बराबर चार, एस एन बराबर 280, ए बराबर ए, डी बराबर ए टू माइनस ए वन 20, और डी का मान माइनस 20 है, बराबर 280। अब इसको सरल करना है, आपको लगाओ दिमाग भाई। क्या बोला था मैंने, ये सम संख्या है तो कट गई तो कितने के बताओ, दो। ध्यान रखना दो सम संख्या कट जाती है, सम संख्या होती है जो कट जाती है, ठीक है। बोलो कितना आ गया, 2a प्लस, बताओ कितने गई है, माइनस के 20, तीन रह जाएगा, कोष्टक बंद, बराबर 280। बोलो बोलो भाई, दो दो ए माइनस कितने हो गए बताओ, 60, 280 गुणा करो, 4a माइनस 120 बराबर कितने हो गए, 280। पक्षांतर करो, 4a बराबर 280 प्लस 120, बोलो कितने हो गए, 4a बराबर 400 हो गए होंगे। देखो जोड़ो इन्हें, 280 120, 400, तो ए बराबर 400/4, ए बराबर 100, प्रथम पुरस्कार कितना बताओ, 100। अब बताओ 100 में से कितने घटाओ, 20 कितने आ गए, 80। ऐसे करो इनमें रुपए और लगा दो भाई, तो ये आ गया आपका 100 भाई। 100 माइनस 40 में कितने आ गए, 60। 100 माइनस 60 कितने आ गए, 40। ले हो गया आपका, ये हो गया। एक और रह छोटा सा ही है, वैसे तीन प्रश्न है इसमें। लास्ट व दसवां, देखिए मैंने आपको ये दसवां प्रश्न लिख दिया है समय के अभाव के कारण। अब देखिए, एक टेलीविज़न सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा सातवें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है तो ज्ञात करो। अब देखिए भाई, हल माना
एपी का प्रथम पद बराबर है सार्वंतर बराबर डी आ जा भाई। ये देखो भाई तीसरे वर्ष ए थ्री बराबर 600 तो ए प्लस 2D बराबर 600 समीकरण नंबर एक आ जा भाई। कौन सा है सातवा ए सेवन बराबर 700 तो ए प्लस 6D बराबर 700 समीकरण नंबर दो आ जा विलोपन। अब देखिए माना एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी तो ए तीसरे वर्ष में ए तीन बराबर 600 तो ए प्लस 2D बराबर 600 सातवें वर्ष में 700 है तो ए प्लस 6D बराबर 700 विलोपन विधि थे विलोपन विधि ए प्लस 2D बराबर 600 ए प्लस हाँ भाई ये कट गया बोलो कितना गया माइनस 4D बराबर घटाओ 700 में से 600 घटाओ माइनस के 100 आ गए तो डी बराबर माइनस के 100 बटे माइनस 4 डी बराबर 25 100 में 4 का क्या दे दिया भाग 25 बार कट गया आ जाओ समीकरण एक में डी बराबर 25 रखने पर रखो भाई एक कहाँ ये रहा ए प्लस 2D बराबर 600 ए प्लस 2 गुणा 25 बराबर 600 ए प्लस 50 बराबर 600 तो ए बराबर 600 माइनस 50 ए बराबर 550 तो ये हो गया आपका प्रथम पद एपी का प्रथम पद बराबर 500 तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न प्रथम वर्ष में उत्पादन बराबर 550 ये हो गया आपकी टीवी 550 टीवी हो गया भाई। दूसरा प्रश्न है आपका ए बराबर कितना है 550 डी बराबर आपका 25 एन बराबर 10वें वर्ष एन बराबर 10वें वर्ष में है तो ए एन का सूत्र लगाओ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए कोष्टक बंद डी हाँ भाई यहाँ लगा दो 10 बोलो ए का मान 550 एन का मान 10 माइनस 1 डी का मान 25 बोलो 550 प्लस 9 गुणा 25 आया भाई 550 प्लस अब 25 गुणा 9 करो 9 पंजी 45 9 दुनी 18 और 4 22 25 नम्मा 225 होता है जोड़ दो भाई ने कितने हो गया जोड़ो 5 7 और 7 775 हो गए 775 ये हो गया। अब रह रहा है आपका एक प्रश्न हो रहा है योगफल तो ये एन बराबर 7 ऐसे एन का सूत्र लगाना भाई देखो क्या बोला योग कुल उत्पादन है योगफल एस एन बराबर एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस ए कोष्टक बंद डी आया भाई एस 7 बटे दो ए का मान दो कितने का है ए का मान 550 7 माइनस 1 डी का मान कितने का 25 7 बटे 2 550 गुणा 2 करो
ग्यारह सौ गए, पाँच दस ग्यारह सौ, छः गुणा पच्चीस, सात बटे दो, ग्यारह सौ प्लस पच्चीस छिकम डेढ़ सौ, एक सौ पचास, सात बटे दो जोड़ो भाई, जीरो पाँच दो एक, बारह सौ पचास, बारह सौ पचास, दो से काट दो, दो छः के बारह, दो दिन चार, दो पाँच दस, छः सौ पच्चीस गुणा सात करो, सत पद पैंतीस, हंसे लागे तीन, सात दून चौदह, तीन सत्रह, हंसे लागे एक, सचिंग बयालीस और एक तैंतालीस, तैंतालीस पचहत्तर। अब आपके तीन प्रश्न हो गए, मैं जब उत्तर लिख दो। प्रथम वर्ष का उत्पादन 550, दूसरा 10वें वर्ष का उत्पादन 775, सात वर्षों का योग 43%। उत्तर हो गया भाई आपका, फिर देख लो कहा है 43, 50, 75 सही एकदम, नोट कर लो।